अब आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल पर ऐसा क्यों लिखा गया। जी हाँ, ये ऐसा इसलिए लिखा गया है, हम आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे यहां पर एक समाचार पत्र के माध्यम से अपडेट देखने को मिली है कि सीजीआई बनते ही जस्टिस यूयू ललित जी, जो कि ये तस्वीर है इनकी, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इनकी तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट है। पिछले 12 दिनों के कार्यकाल में इन्होंने 4,000 से ज्यादा केस पूरी तरह से फाइनल निपटा दिए हैं। जी हाँ, इनका कहना है कि बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लंबे समय से चल रहे हैं, और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 9 नवंबर के आसपास वो रिटायर हो रहे हैं। उस रिटायरमेंट से पहले, यानी कि रिटायर होने से पहले पहले उनके पास जितने भी केस आएंगे उनको वो निपटा देंगे, और यही कारण है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में धमाका है। अभी मैंने आपको बताया कि कल यानी कि 20 अक्टूबर को जो जिला वरीयता वाला केस है उमेश चंद का, वो लिस्टेड हो चुका है। अगर कल उसे वो थोड़ी देर भी सुन लेते हैं तो आप मान लीजिए कि अक्टूबर महीने में ही या नवंबर के प्रथम में ही ये केस निपटने वाला है। हो सकता है कि फाइनल बहस एक ही दो सुनवाई में हो जाए, क्योंकि पहले हो चुकी है, थोड़ी बहस रह गई थी। तो अगर यहां से ये मामला निपट गया तो हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच इसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा वही सर्वमान्य हो जाएगा। फिलहाल इसकी हर एक अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब